अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मिस नाजिया तौहीद, योर इस्लामिया टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक इन इस्लामिया यूनिट 3 तौहीद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इस्लामिया यूनिट 3 तौहीद। द टॉपिक नेम इज़ तौहीद। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह एक है इस बात पर यकीन रखना। तौहीद का मतलब होता है अकेला, और हम मुसलमान होने के नाते इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के जैसा और कोई नहीं है। द बिलीफ इन वन अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद। एक अल्लाह पे यकीन रखने को क्या कहते हैं? तौहीद। तौहीद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम। तमाम मुसलमानों के लिए सबसे पक्का और पुख्ता यकीन जो है वो क्या है? तौहीद के होने का, कि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, अल्लाह जैसा और कोई नहीं, ना अल्लाह का कोई माँ है, ना कोई बाप, ना कोई बच्चे, और अल्लाह के मुकाबले में भी अल्लाह जैसा और कोई नहीं हो सकता। मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद बाय रिसाइटिंग द फर्स्ट कलमा, और मुसलमान इस बात की गवाही देते हैं फ़र्स्ट कलमा पढ़ के, यानी पहला कलमा पढ़ के मुसलमान इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ एक हैं। द फर्स्ट कलमा इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलमा तैयबा। पहले कलमे को कलमा तैयबा भी कहते हैं। तैयबा मीन्स प्योर। तैयबा का मतलब होता है प्योर, यानी खालिस, पाक साफ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? दिस इज़ आर फर्स्ट कलमा, कलमा तैयबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एंड व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ कलमा तैयबा? देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अल्लाह मैसेंजर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये है हमारा फर्स्ट कलमा और उसकी ट्रांसलेशन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, मैच द टर्म। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, आपको उनको आपस में मैच करना है, जो उससे मैच करें। जैसे नंबर ए है द बिलीफ इन वन गॉड, एक अल्लाह पे यकीन रखना, इसको हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड तौहीद। टू बिलीव इन वन गॉड इज कॉल्ड तौहीद। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट योर स्केल एंड देन यू हैव टू मैच नंबर ए टू नंबर फोर। द बिलीफ इन वन गॉड, इन वन अल्लाह इज कॉल्ड तौहीद। नंबर बी, तौहीद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीफ। तौहीद अल्लाह ताला का, अल्लाह पे यकीन रखने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा पक्का यकीन है तौहीद। किसका है ये? मुसलमानों का, फॉर ऑल मुस्लिम। तो आप क्या करेंगे? तौहीद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम। द फर्स्ट कलमा, द फर्स्ट कलमा कौन सा है? द फर्स्ट कलमा इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलमा तैयबा। सो इट मैचेस टू पॉइंट नंबर वन। नंबर डी, मुस्लिम डिक्लेयर तौहीद बाय रिसाइटिंग। मुसलमान तौहीद की गवाही देते हैं रिसाइट करके द फर्स्ट कलमा। पहला कलमा पढ़ के मुसलमान क्या करते हैं? तौहीद की गवाही देते हैं। तैयबा मीन्स प्योर, तैयब मीन्स प्योर, तो ये आपने तैयब को प्योर से मैच कर दिया। ओके, दिस इज़ योर वर्क विच यू विल डू इन योर एक्सरसाइज एंड यू विल रीड इट अगेन एंड अगेन। जो मैचिंग पॉइंट्स हैं आप इसको बार बार रीड करेंगे ताकि वो आपको रिकग्नाइज हो सकें, मेमोराइज हो सकें। आंसर दीज क्वेश्चंस नाउ। What is the most important belief of the Muslim? मुसलमानों का सबसे ज़्यादा पुख्ता यकीन कौन सा होता है? इसका, इस बात का जवाब आपको इस आपके चैप्टर में मिलेगा। You have to read the chapter again and again. You will find the answer. The belief in one Allah is called Tawheed. Tawheed is the most important belief for all Muslims. ये देखें, ये इसी का जवाब आ गया। What is the most important belief for all Muslim? Tawheed is the most important belief. तो आप वॉट की जगह क्या लिख देंगे? तौहीद, ये लिखा हुआ यहाँ पर, और बाकी पूरा जवाब आपका वैसे ही आएगा। तौहीद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव ऑफ द मुस्लिम। मुस्लिम का एम कैपिटल होगा इसलिए क्योंकि मुस्लिम एक प्रॉपर नाउन है।
ठीक, इसके बाद आएगा व्हाट इज़ तौहीद, द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ तौहीद, इसका आंसर आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा। देखिए मैंने पहली लाइन पढ़ी थी उसके बाद सेकंड लाइन पढ़ी थी, इस वजह से मुझे याद है, द बिलीफ इन वन अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद। तो आप यहाँ से देख के इसका आंसर इसके नीचे लिख देंगे, द बिलीफ इन वन अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद। नंबर सी, हाउ डू मुस्लिम डिक्लेयर तौहीद, मुसलमान किस तरह से डिक्लेयर करते हैं तौहीद को, इसका आंसर आपको चैप्टर रीड करेंगे तो पता चलेगा, द बिलीफ इन वन अल्लाह इज़ कॉल्ड तौहीद, ये भी नहीं है इसका आंसर। तौहीद इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम, इट इज़ नॉट द आंसर। मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद बाय रिसाइटिंग द फर्स्ट कलमा, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन थ्री, बिकॉज इन क्वेश्चन थ्री दे आर आस्किंग हाउ डू मुस्लिम डिक्लेयर द तौहीद, मुसलमान कैसे डिक्लेयर करते हैं तौहीद को, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे देखकर ऑन द थर्ड लाइन, मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद बाय रिसाइटिंग द फर्स्ट कलमा, यू विल राइट हियर। अगर एक लाइन में पूरा ना आए तो ई क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है, दिस इज़ योर रफ वर्क फॉर योर प्रैक्टिस, इसके बाद हम कॉपी में करेंगे। नंबर डी, रिपीट द फर्स्ट कलमा एंड ट्रांसलेटेड, फर्स्ट कलमा रिपीट करें तो आप पहले फर्स्ट कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी ट्रांसलेशन लिखें, तो आप यहाँ से देख के ट्रांसलेशन लिख देंगे, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू में आप नहीं लिखेंगे कॉपी में, बल्कि आप कॉपी में इसकी जगह लिख देंगे PBUH, यानी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, पी फॉर पीस, बी फॉर बी, यू फॉर अपॉन, एच फॉर हिम, पीस बी अपॉन हिम इज़ अल्लाह मैसेंजर, ठीक, यहाँ पे आप इसका ट्रांसलेशन लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर डी इज़ योर ऑप्शनल, आप चाहें तो ना भी लिखें क्योंकि मैं कॉपी में अलग से आपको ट्रांसलेशन लिखवाऊँगी, विच यू हैव टू लर्न, दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे, रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड देन ट्राई टू फिल इन द क्वेश्चन आंसर एंड द मैचिंग, दिस इज़ योर वर्क, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।